कुछ इस तरीके की थोड़ी सी ना लिपस्टिक। यूट्यूब का काम कॉलेज का तो ऑब्वियसली करना ही करना है। सो गाइस आज का व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं शायद से। अभी मैं बस शाल लेकर आई हूँ। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज का पूरा डे, एक्चुअली आज है संडे और मैं बहुत ज़्यादा फ्री तो नहीं पाऊँगी, पर हाँ मैं ये होता है कि मुझे कहीं जाना नहीं होता है और मेरे को बस घर में ही रहना होता है। पर ऐसा नहीं है कि संडे को मैं बिल्कुल ही फ्री रहती हूँ। संडे मेरा सबसे ज़्यादा वॉकिंग डे होता है, काफ़ी लोगों का भी होता होगा तो मेरा भी होता है, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे काम करने होते हैं आज के दिन। लाइक आज मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा यूट्यूब का काम, इंस्टाग्राम का काम एंड कॉलेज का तो ऑब्वियसली करना ही करना है। एंड आज ना मेरी फैमिली में क्या हुआ है कि लाइक मेरी मम्मी की एंड मेरी बहन की दोनों की ही तबीयत ख़राब है, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा घर का भी काम करना पड़ेगा। वैसे मैं करती हूँ पर हाँ करना पड़ेगा, इन सब के चलते हुए भी मुझे काम करना पड़ेगा। मैं ऐसा सोचती हूँ कि संडे होता है ना तो बस अपना कॉलेज वगैरह का जो भी पेंडिंग वाला वर्क होता है वो मैं करूँ, पर तब भी मैं करूँगी। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। आई होप कि आपको अच्छा लगे मेरा ये व्लॉग। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को ज़रूर ही ज़रूर लाइक कर देना। सबसे पहला जो मैं काम कर रही हूँ वो कर रही हूँ अपनी यूट्यूब वीडियो का। एक्चुअली मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ ना, इंफॉर्मेटिव जो भी वीडियो बनाती हूँ DI से रिलेटेड, तो मैं कुछ उसके की पॉइंट्स ना अपनी कॉपी में लिख लेती हूँ, जैसे कि मैंने ऊपर भी लिख रखा हुआ है पिछली वाली वीडियो के। मैं इसको बस लिखती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से सुबह मॉर्निंग में बोला ही था कि मुझे खाना भी बना रहा है, तो मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब है यार मम्मी की और दीदी की। एक्चुअली मैं नमकीन खा रही थी यहाँ पर, इसीलिए मेरा पानी अभी पिया है ना, इसीलिए दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। पर मैंने राइस वॉश कर लिए हैं, ये दाल के लिए है दोनों। यहाँ पर दाल मैंने भिगो के रखी हुई है और यहाँ पर बस ऑयल थोड़ा सा गर्म हो रहा है राइस के लिए। इस वाली गैस पे मैं दाल बनाऊंगी, इस पे मैं चावल बनाऊंगी। इनको जल्दी से बनाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। राइस तो बनाने के लिए रख दिए हैं, अब मैं थोड़ा सा मतलब दाल के लिए ऑयल थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। सब कुछ प्रिपरेशन हो चुकी है, ये भी मैंने वॉश कर लिया है, सोख हो गई है 10 to 15 minutes के लिए। ज़्यादा सोख नहीं की है क्योंकि टाइम ना 12 बज चुके हैं ना, दैट्स वाई मैंने ज़्यादा सोख नहीं की है, 10-15 minutes के लिए। वैसे आधे घंटे में तो ये प्रॉपर हो जाती है, बट कोई बात नहीं, हम लोग विसल लगा देंगे। बस मैं अपना वीडियो शूट करने के लिए आई हूँ, अपना कैमरा बस सेटअप कर रही थी कि ठीक से आए। एंड इस टाइम पे मैं कर रही हूँ अभी यूट्यूब की वीडियो शूट DI से रिलेटेड, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना सुबह लिखा था उसकी स्क्रिप्ट, लाइक मेन पॉइंट्स लिखे थे ना, और इसी के बाद जस्ट मैं बना लूँगी थोड़ी सी रील्स। एक दो सॉन्ग मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, उन पर मैं रील्स बना लूँगी। ऐसे ही मेरा काम हो जाता है कि मैं एक बार में मैं दो दो काम कर लेती हूँ ऐसे, तो इसके बाद मैं रील्स बना लूँगी, मेरा इंस्टाग्राम भी कवर हो जाएगा और मेरा यूट्यूब भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये व्लॉग तो मेरा चल ही रहा है। इसके बाद एक्चुअली मैंने थोड़ी सी ना लिपस्टिक ऐसे की थी ना, मिक्स की थी, इसी वजह से ये रेड रेड हो रहा है। तो अब मैं बना लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 2 और धूप बहुत अच्छी आ रही है, मुझे कोई भी आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं काम ही अपना ऐसे ही टाइम पर चूज़ कर लेती हूँ जिससे कि मेरे को नेचुरल लाइट मिल जाए, आर्टिफिशियल लाइट की मुझे ज़रूरत ना पड़े। दैट्स इट।
मैंने रील्स तो बना ली थी एंड वीडियो भी बना ली। एक्चुअली ना अभी मैं इतने टाइम से क्यों नहीं अपडेट किया आप लोगों को, एक्चुअली मैं जो वीडियो बनाई थी ना, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था DI की मुझे वीडियो बनानी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उसी को मैं एडिट कर रही थी और उसी को अभी जस्ट मैंने पोस्ट किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और आप लोग देख रहे होंगे अगर उनमें से, तो आप लोगों को पता ही होगा वो कितना इंपॉर्टेंट है ना। और ये भी था कि काफ़ी लोग पूछते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि डिले करते जाओ। वैसे मैं इतना डिले नहीं करती हूँ, मुझे अपना पता है कि मैं एक या दो दिन में आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी क्वेरीज होती है, मैं उसका इंस्टेंट कमेंट बैक करती हूँ, लाइक रिप्लाई करती हूँ एंड वीडियो भी बना देती हूँ। अगर मुझे बड़ी या फिर अच्छे से इंफॉर्मेशन देनी हो तो आप लोगों को, तो मैं ना वीडियो भी बना के जल्दी पोस्ट कर देती हूँ। तो अभी मैंने ऐसे ही किया है, वीडियो बस पोस्ट की है और मेरी बहन बैठी हुई है एक्चुअली। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ तो अभी ना शाम हो चुकी है, लाइक अब मैं ना ये सोच रही हूँ यार, मेरी ना कॉलेज ड्रेस ना बिल्कुल भी वॉश नहीं हुई है यार, मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी और मुझे कपड़े धोने आते नहीं है, बहुत गंदे धोती हूँ मैं, अब मेरे को मशीन तक में कपड़े धोने नहीं आते। अब सोचो मैं क्या करूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि धुल लेती हूँ, अपने भाई से धुलवा लेती हूँ क्योंकि उसे तो आते ही हैं मेरे छोटा। सो गाइज, जस्ट अभी मैंने अपनी कॉलेज यूनिफॉर्म को वॉश करने डाला हुआ है। और गाइज आप लोगों को एक बात बताऊँ, कोई मुझ पर हंसे गई सच में, देखो आप लोगों को दिखा दे, मैंने कितना सारा डिटर्जेंट डाल दिया है। ठीक है यार, मैं इस वाली मशीन में धो रही हूँ, हमारे घर पे ऑटोमेटिक मशीन भी है। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे कपड़े धोना बिल्कुल भी नहीं आता है, लाइक मशीन में भी नहीं आता है और हाथों से तो मैं इतने गंदे कपड़े धोती हूँ पूछो ही मत, और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। लाइक बोलते हैं ना कि यार, एक होता है कि कितना पानी डालना है कितने कपड़ों में, या फिर कितना डिटर्जेंट डालना है कितने कपड़ों में, वो बिल्कुल भी नहीं है इस वजह से। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो। सोच रही थी अपने कॉलेज शूज़ भी वॉश करूँगी, पर यार मौसम ही ऐसा हो रहा है ना, और मौसम तो हो ही रहा है और टाइमिंग भी बहुत हो गई है, तो मैं कल तक पहन जाऊँगी उनको और फिर कल या परसों वॉश करूँगी। गाइस मुझे ना आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी, अभी तो मैं वैसे DHA और अपना थोड़ा सा इलस्ट्रेशन करने के लिए बैठी हुई हूँ। देखो यार कितने सारे DHA करने हैं मुझे अभी, लाइक दो ही करने हैं, पर मैं ऑलरेडी ना काफ़ी कर चुकी हूँ इस वजह से कह रही हूँ। एक सेकेंड, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, वो ये कि मैंने ना इलस्ट्रेशन बनाई थी। एक्चुअली ना मैंने दो इलस्ट्रेशन बनाई थी, लाइक मॉडल्स बनाई थी, पर एक मेरी फ्रेंड के पास है मेरी, क्योंकि उस दिन मैं ना इस तरीके का एनवेलप नहीं लेके गई थी, तो मैंने सोचा कि ख़राब हो जाएगी इस वजह से मैं कल ले लूँगी, तो ऐसा। बट एक मेरे पास रखी हुई है, वो ये है, मैं आप लोगों को ना बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके की है। अभी ना मैंने सीख ही रही हूँ मतलब, और मैंने इसमें यूज़ किए हैं ये वाले पेंसिल वाटर कलर्स, डोम्स के हैं ये, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं तो मैंने यही यूज़ किए हैं। बट अगर आप इलस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप लोग ले सकते हैं फेवर कैस्टल के या फिर स्टैडलर्स ले सकते हैं, अगर आप लोगों को इसमें भी अच्छा चाहिए तो, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी ब्लेंडिंग, मुझे लगा कि थोड़ी सी ब्लेंडिंग थोड़ी कम थी, तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा कहीं पर ना थोड़ा सा डार्क हो गया है, लाइक लाइनिंग शो हो रही है, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। पर एक रेंज के हिसाब से बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है एंड मैंने ये बनाया था। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा आज का व्लॉग। मैं थोड़ा सा छोटा ही रखती हूँ, शॉर्ट ही रखती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं रखती हूँ। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग क्या अपलोड करूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं वही अपलोड कर दूँगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय गाइज, टेक केयर, सी यू सून।